हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी सॉल्यूशंस। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है आशा ठाकुर एंड मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू मेकअप, ब्यूटी, हॉल्स एंड लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। सो अगर आप भी इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगेन, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो मैंने अपने चैनल पे शुरू करा है फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, जिसका कि है आज डे 3, यानी कि आज हमारी क्लास 3 है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास में, वो होने वाला है CTM। आई नो अभी थ्योरी पार्ट चला हुआ है जो कि थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको ये पार्ट बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। आप इंटरेस्ट लोगे, आपको ये लगेगा कि आप पूरे अपने बेसिक्स क्लियर करो फिर आप प्रैक्टिकल की तरफ जाओ। तो ये जो टॉपिक्स में बेशक आप लोगों के लिए बोरिंग हो सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके क्लियर हो जाता है तो आपको मेकअप करने में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले अपना बेसिक को क्लियर करो। सो जैसे कि मैंने बताया, आज हमारी डे 3 है, क्लास 3 है, एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये स्किन केयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेकअप प्रिपरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CTM। आपने अच्छे से CTM करा होगा तो आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होगा। अगर आपने अच्छे से CTM नहीं किया है, स्किन को प्रेप नहीं किया है, तो आपका मेकअप केकी हो सकता है, पैची हो सकता है। तो मेकअप से पहले भी बहुत ज़रूरी है CTM, एंड ऐसे भी आपको रेगुलरली आपके स्किन केयर रूटीन में भी CTM को इंक्लूड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, फिर मैं आपको डिटेल में, आप नोट्स बना सकते हो, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा भी दूंगी। तो सबसे पहले हमारे CTM में आता है CC, स्टैंड्स फॉर क्लींजिंग। तो क्लींजिंग मीन्स आपको आपके फेस को क्लीन करना होता है किसी भी फेस वॉश की हेल्प से, किसी भी जेंटल क्लींजर की हेल्प से। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में बना रखी है CTM से रिलेटेड, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया दैट हाउ यू कैन डू क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हो उस वीडियो को भी। एंड अभी बात करते हैं दोबारा इस वीडियो की। सो क्लींजिंग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो क्लींजिंग मीन्स आपको आपके फेस को क्लीन करना होता है किसी फेस वॉश की हेल्प से। क्लींजिंग हेल्प करेगी आपके फेस से डर्ट, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में, जो स्किन को प्रिपेयर करती है आगे के स्किन केयर स्टेप्स के लिए। क्लीन आपकी स्किन को कर देती है ताकि आप अच्छे से जो भी प्रोडक्ट लगाओ वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए आपकी स्किन में। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है टोनिंग। तो टोनर को वैसे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है टोनर। बहुत से लोग टोनिंग को एक फालतू स्टेप मानते हैं, या तो फिर ऐसे देखते हैं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, टोनिंग क्यों ही करनी है। बट हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप टोनिंग स्किप कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू डू टोनिंग। अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्योंकि टोनिंग से क्या होता है, एक तो क्लेंजिंग से आपने आपके फेस के pH को थोड़ा इधर उधर किया होता है, तो उससे क्या होता है, टोनिंग से क्या होगा, आपके जो स्किन का pH है वो नॉर्मल हो जाएगा, आपकी स्किन में जो पोर्स होंगे वो थोड़ा श्रिंक हो जाएंगे। टोनर के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं वैसे आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चराइजिंग। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये तो हर कोई करता ही करता है। तो मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है मेकअप से पहले। अगर आप अच्छे से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी तो आपकी फाउंडेशन की फिनिश भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अभी हम डिटेल में समझ लेते हैं। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। तो गाइज, ये है CTM, एंड दोबारा बोलूंगी अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लोग नोट्स बना लो या तो समझ लो। बहुत इजी टॉपिक है ये एंड बहुत बेसिक टॉपिक है, बट फिर भी समझना जरूरी है। सो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ CTM डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CTM इन अवर स्किन केयर रूटीन। तो स्किन केयर रूटीन में जो इंपॉर्टेंस है CTM की, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग की, वो क्या है। These three steps help to clean, nourish and hydrate your skin, which can help to prevent and minimize the appearance of fine lines, wrinkles and other signs of aging. ये तीन steps जो हैं, cleansing, toning and moisturizing, ये help करते हैं आपकी skin को nourish रखने में, hydrate रखने में, एंड जो आपकी स्किन में फाइन लाइंस आ रही होती है ना, कईयों के बहुत जल्दी फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, तो ये क्या है कि हेल्प करता है आपको जो साइंस ऑफ एजिंग है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स वगैरह वगैरह, उनकी अपीयरेंस को ये कम कर देता है। सो क्लींजिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द CTM रूटीन, एंड इट इज इसेंशियल फॉर रिमूविंग डर्ट, मेकअप एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर स्किन। अ जेंटल क्लींजर विल हेल्प टू unclog your pores, which can help to prevent breakouts and keep your skin looking clear and healthy. Cleansing also helps to remove dead skin cells, which can improve the texture and appearance of your skin.
सो क्लिनजिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपके स्किन केयर रूटीन का, एंड ये हेल्प करता है आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करने में. अगर आपने मेकअप किया है तो अच्छे से आपके मेकअप को भी निकाल देता है, ठीक है. तो डर्ट इम्प्योरिटीज को ये रिमूव करने में हेल्प करता है आपकी स्किन से. सो कोई भी जेंटल क्लिनजर अगर आप यूज़ करते हो तो आपके स्किन में जो पोर्स होंगे उनको अनक्लॉग करेगा, ठीक है. एंड उससे क्या होगा, आपके स्किन में एक्ने ब्रेकआउट्स का खतरा कम हो जाएगा. आपकी स्किन को हेल्दी रखने में, क्लियर रखने में हेल्प करती है क्लिनजिंग, एंड आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स की लेयर को भी रिमूव करने में हेल्प करती है. एंड आपके स्किन का जो टेक्स्चर है, अपीयरेंस है आपकी स्किन की, उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. बेसिकली क्लिनजिंग क्या कर देती है, आपकी स्किन को क्लीन क्लियर बना देती है, ताकि आप जो नेक्स्ट स्टेप्स करो उनके लिए आपकी स्किन रेडी हो जाए अच्छे से, एंड आपकी जो स्किन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छे से पेनिट्रेट हुए. नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो होता है टोनिंग. टोनिंग इज द सेकेंड स्टेप इन द सीटीएम रूटीन एंड इट इज ऑल्सो ओवरलुक्ड, ठीक है. मतलब वही होता है ना कि बहुत से लोग बोलते हैं यार टोनर की तो जरूरत ही नहीं है, टोनिंग करते ही क्यों, और टोनिंग स्टेप क्यों इंक्लूड कराए भाई. बट ऐसे नहीं है, टोनर काम तो करता है. क्या काम करता है टोनर? टोनिंग इज एन एसेंशियल स्टेप दैट हेल्प टू रिस्टोर द नेचुरल पीएच बैलेंस ऑफ योर स्किन. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव एनी रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ डर्ट, मेकअप और क्लिंजर, विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट क्लॉग पोर्स एंड ब्रेकआउट्स. टोनिंग ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिपेयर योर स्किन फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन द सीटीएम रूटीन. टोनर क्या करता है, आपके स्किन का जो नेचुरल पीएच बैलेंस है उसको रिस्टोर करता है. जैसे आपने पहले क्लिंजिंग की है, कई बार क्या होता है कि क्लिंजर के ही ट्रेसेस आपके फेस पे बच जाते हैं, थोड़ा बहुत डर्ट रह भी गया होता है क्लिंजर की वजह से. तो आप कॉटन पैड पे लेके अगर टोनर यूज कर रहे हो तो जो थोड़ा बहुत डर्ट या क्लिंजर के रेजिड्यूज आपकी स्किन पे बचे वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे. सो आपके पोर बहुत अच्छे से क्लीन होंगे एंड आपके फेस पे एक्ने ब्रेकआउट्स का खतरा और ज्यादा कम हो जाएगा. एंड ये आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है मॉइस्चराइजिंग के लिए. अगर आप थोड़ा सा गीले फेस पे मॉइस्चराइजर लगाते हो ना तो मॉइस्चराइजर और ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है. नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है सीटीएम का वो है मॉइस्चराइजिंग. इट इज एसेंशियल फॉर कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड एंड हेल्दी. अ गुड मॉइस्चराइजर विल हेल्प टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड फ्लेकीनेस विच कैन मेक योर स्किन लुक डल एंड एज्ड. मॉइस्चराइजिंग ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द टेक्स्चर एंड द इलास्टिसिटी ऑफ योर स्किन विच कैन रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन. बेसिकली मॉइस्चराइजर क्या करता है, एक तो हाइड्रेट तो आपकी स्किन को करता ही है, ये तो आपको पता है दैट मॉइस्चराइजर हाइड्रेट आपकी स्किन को करेगा, ठीक है. अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो क्या करता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन से ड्राइनेस को भी दूर रखेगा, फ्लेकीनेस को भी दूर रखेगा. आपकी स्किन जो है डल और एज्ड नहीं दिखेगी अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो रेगुलरली. आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, एंड जो फाइन लाइन्स आती है ना आपकी स्किन में उनके अपीयरेंस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है मॉइस्चराइजर. सो ये तीनों ही स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप से पहले. अगर आपकी स्किन प्रिपरेशंस अच्छी हैं तो आपका मेकअप का रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा. होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें आपको आगे मेकअप करने के टाइम बहुत काम आएगी स्किन प्रिपरेशंस में. कुछ एक दो स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं मेकअप के टाइम पे स्किन प्रिपरेशन में सीटीएम के साथ साथ. तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड अगर कोई भी इस वीडियो को सीखने के पर्पज से देख रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा सकते हैं. एंड आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है एंड शेयर भी कर देना है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून.